नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 22 अगस्त 2022, आज का दिन है सोमवार। हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से, टूल किट मॉड्यूल की जांच की दिशा में बढ़ रही सीबीआई। दर्जन भर कॉमेडियन और हैदराबाद से जुड़े शराब व्यापारी भी जांच के दायरे में। आबकारी घोटाले में 8 के खिलाफ लॉकआउट सर्कुलर जारी। केंद्र की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे सिसोदिया। और सीबीआई ने पूछताछ के लिए आरोपितों को समन किया जारी। हाजिर नहीं हुए तो अदालत से भगोड़ा घोषित करवाएंगे। तो हम जान लेते हैं कि जो दिल्ली की जो नई आबकारी नीति है वो क्या है। तो दिल्ली सरकार की शराब नीति घोटाले पर विवाद क्यों, तो हम इस सबको अभी जानेंगे। तो दिल्ली की नई आबकारी नीति यानी एक्साइज पॉलिसी को लेकर बवाल जारी है। शुक्रवार सुबह दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर समेत देश भर में 20 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हुई। आरोप है कि नई नीति से दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स का उल्लंघन हुआ है। इतना ही नहीं, शराब वाइन बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ किए जाने से सरकार को करीब 144 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। बतौर आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रावधानों की अनदेखी की। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल खड़े किए और इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। हालांकि 1 सितंबर से पुरानी आबकारी नीति लागू हो जाएगी, लेकिन नई आबकारी नीति है क्या और किन मुद्दों पर इतना हंगामा हुआ है? तो दिल्ली सरकार पर आरोप क्या? तो आरोप है कि दिल्ली सरकार ने नई नीति बनाने में नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया। नई नीति लागू करने के लिए आबकारी मंत्री को कई अधिकार दे दिए गए। 21 मई को कैबिनेट मीटिंग में फैसला वापस लिया गया, लेकिन बावजूद आबकारी विभाग यानी एक्साइज डिपार्टमेंट मनमाने तरीके से फैसलों को लागू करता रहा। आरोप है कि नई नीति से कुछ बड़े प्लेयर्स अपने स्टोर्स पर भारी डिस्काउंट और ऑफर्स देने लगे, जिससे शराब के कई छोटे वेंडर्स ने दुकान बंद कर दी। आरोप है कि सरकार ने एक्साइज विभाग के शराब विक्रेताओं की 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी। हम जान लेते कि जो दिल्ली की नई आबकारी नीति क्या है। तो दरअसल दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021 में लागू हुई थी। नई नीति के तहत पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया। बताया जा रहा है कि इनमें करीब 850 लाइसेंस आवंटित किए गए थे। हर जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खुल रही थी। खबर के मुताबिक कुल 849 में से करीब 650 दुकानें खुल गई। अब तक 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट हाथों में थी, लेकिन नई नीति के बाद 100% दुकानें प्राइवेट हाथों में चली गई। तो नई शराब नीति के तहत शराब बिक्री के नियम, राजधानी में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। शराब की दुकानों की दूरियां कम कर दी गई। कई जगह पर 24 घंटे शराब की बिक्री को मंजूरी मिली थी। साथ ही छत समेत किसी भी जगह शराब परोसने की मंजूरी मिल गई। बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक खोलने का इजाजत दे दी गई। दुकानों में एंट्री और एग्जिट गेट अलग थे। दुकानें मार्केट रेट के मुताबिक कीमत तय कर रही थी। नई नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी होने लगी थी। तो इस तरह से ये पूरा मामला था। अभी हाल ही में जो शराब लाइसेंस घोटाले की प्रारंभिक जांच टूलकिट मॉड्यूल पर केंद्रित थे, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि कुछ नियमों के उल्लंघन के प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं, जिनमें वित्तीय गड़बड़ी, कंपनी अधिनियमों के तहत आवश्यक जानकारी को उजागर नहीं करना, सूचना प्रौद्योगिकी व अन्य अधिनियमों के दायरे में आने वाले गलत सूचना के प्रसार जैसी चीजें शामिल है। एक अन्य पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है, इसमें शेयर और क्रिप्टो करेंसी में
वित्तीय लेन देन भी शामिल है। कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की गई है, केंद्रीय मंत्रालय के संदर्भ पर ही दर्ज की गई, यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की गई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। चीन ने सीमा का सम्मान नहीं किया, जयशंकर जी। म्यांमार किससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से और भारत को प्रभावित करने वाले दूसरे देशों की नीति से और उनकी रणनीति से। विदेश मंत्री ने पड़ोसी देश को दिया कड़ा संदेश, एक तरफा नहीं हो सकते स्थायी संबंध, रिश्तों पर गलवन, संघर्ष की छाया। हर कोई चाहता है पड़ोसी से मित्रता, लेकिन उचित शर्तों पर। ब्राजील के साओ पाओलो शहर में रविवार को भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा है कि चीन ने दोनों देशों के बीच हुए सीमा समझौते की अवहेलना की है, लिहाजा दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। गलवान घाटी में हुए संघर्ष से कहीं ना कहीं रिश्तों में असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि स्थायी संबंध एक तरफा नहीं हो सकते। दक्षिण अमेरिका देशों के साथ एक तरह से समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वह कहने की दक्षिण अमेरिका के देशों को वहां पहुंचे, वह ब्राजील पहुंचे। अभी वहां कहीं ना कहीं भारतीय समुदाय से बातचीत करते हुए इससे बात कही है। चीन कहीं ना कहीं पिछली सदी के से कहने की जो समझौता था उसके तहत क्षेत्र में सेना की तैनाती की मनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं चीन ने इसकी अवहेलना की और कहीं ना कहीं जो सीमा समझौता था उसका उल्लंघन किया। बेहतर संबंध बनाने के लिए एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, प्रत्येक के अपने हित होंगे और एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। संबंध दो तरफा होते हैं, स्थायी संबंध एक तरफा नहीं हो सकते। हमें आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता की आवश्यकता है। तो अब ये हमारे किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मेरे से प्रश्न बन सकते हैं कि भारत तो चीन के संबंधों को पटरी पर लाने के लिए या सुधार करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं, तो क्या किया जा सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ से कहीं ना कहीं एक तरह से कूट कर सकते हैं इस चीज को। तो अभी हम कहीं ना कहीं थोड़ी देर में कहीं ना कहीं दक्षिण अमेरिका ब्राजील को भी एक बार देखेंगे और चीन में जो गलवान घाटी का संघर्ष हुआ ना उसको भी एक बार मैप में देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में वो लोकेशन कहाँ है और क्यों इस तरह से विवाद छिड़ा हुआ है। हमारी अगली खबर है 30MQ-9B ड्रोन से ड्रैगन पर होगी नजर। अमेरिका से 30MQ-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए वार्ता अंतिम चरण में है। $3 अरब से अधिक की लागत से ड्रोन खरीदने के उद्देश्य चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा और हिंद महासागर में निगरानी और सतर्कता बढ़ाना है। कहने के जो अमेरिका ने अभी कुछ दिनों पहले काबुल में अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहरी पर जो हेलफायर मिसाइल से हमला किया था वो कहीं ना कहीं एक तरह से संशोधित संस्करण से ही किया था। इसके वार्ता में मुख्य रूप से कहीं ना कहीं एक तो लागत, हथियारों के पैकेज और प्रौद्योगिकी को साझा करने से संबंधित कुछ मुद्दों पर सुलझाने पर केंद्रित हैं जो अंतिम वार्ता है। अमेरिका और भारत ने कहने के जो वॉशिंगटन में अप्रैल में कहने के 2+2 वार्ता की थी उसी के तहत कहने के प्रस्ताव चर्चा हुई थी। इसी में हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के लिए कहने के अमेरिका से 2 MQ-9B व सी गार्जियन ड्रोन 1 साल की लीज पर लिए गए थे। तो अब कहने के भारत इनको खरीदने की राह पर चल पड़ा है। अब ड्रोन की विशेषताएं क्या है, तो कहने के ये रिमोट संचालित ड्रोन के ये दो संस्करण, एक तो है स्काई गार्जियन व सी गार्जियन। एक बार 35 घंटे उड़ान भरने में सक्षम, सिग्नल इंटेलिजेंस व कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम से हेलेस, 4 हेलफायर मिसाइल और 450 kg के बम किए जा सकते हैं तैनात। खुफिया जानकारी जुटाने के साथ ही दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में भी है सक्षम। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए खास तौर पर किया गया है इसको डिजाइन।
तो इस तरह से हमें इसको देखना है। प्रदूषण से जंग में अब आम जन भी बनेंगे पर्यावरण प्रहरी। 2017 में अधिसूचित ग्रेप को हाल ही में संशोधित करने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इसमें सिटीजन चार्टर को भी किया है शामिल। 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में होगा लागू। वायु प्रदूषण बढ़ने पर बच्चों, बुजुर्गों और दिल और सांस के मरीज बाहर जाने से बचेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि जैसे हमारे दिल्ली में एक सबसे बड़ी समस्या है कि वायु प्रदूषण को लेकर, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार है उसने एक नई पहल किए हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब केवल सरकारी विभाग और एजेंसियां ही काम नहीं करेगी, बल्कि आम जन भी पर्यावरण प्रहरी यानी कहीं ना कहीं पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपनी भूमिका अदा करेंगे। ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप के विभिन्न 4 चरणों के अनुरूप वे अपनी ड्यूटी निभाएंगे। कौन? आम नागरिक। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को हाल ही में संशोधित करने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इसमें सिटीजन चार्टर को भी एक शामिल किया है। ग्रेप में बदलाव के अनुसार इसमें 4 स्टेजेस हैं, तो अभी हम देखेंगे कौन सी 4 स्टेजेस हैं। सिटीजन चार्टर में लोगों को बताया गया है कि प्रदूषण बढ़ने के बाद वह अपनी भागीदारी कैसे निभाएंगे और क्या सावधानियां बरतेंगे। तो ये 4 स्टेज जो सिटीजन चार्टर के तहत, सिटीजन चार्टर के तहत लोगों का यह करना होगा। तो जैसे स्टेज पहले में यानी खराब एयर इंडेक्स, यानी एयर इंडेक्स का 201 से 300 के बीच में रहता है, तो लोगों को क्या करना चाहिए? गाड़ी, बाइक और इंजन की ट्यूनिंग करवानी चाहिए। अपनी गाड़ी के टायर में हवा सही रखें, पीयूसी सर्टिफिकेट को अप टू डेट रखें, रेड लाइट पर अधिक देर होने पर जो गाड़ी है उसको बंद कर दें, खुले में कूड़ा न डालें। यदि प्रदूषण की गतिविधियां दिखती हैं तो इसकी शिकायत 311 ऐप या ग्रीन दिल्ली ऐप पर करें। और स्टेज 2 यानी बेहद खराब यानी एयर इंडेक्स 301 से 400 के बीच, निजी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें। अपनी गाड़ी के एयर फिल्टर को समय समय पर बदले। अक्टूबर से जनवरी तक निर्माण आदि करने से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं अक्टूबर जनवरी के बीच में तो दिल्ली की जो तो वायु है एकदम बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। फिर स्टेज 3 गंभीर यानी एयर इंडेक्स 401 से 450 के बीच में, यानी आवागमन के लिए पैदल चले, साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो वही करें। जगह को गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी का इस्तेमाल न करें। दूसरा है, घरों के मालिक अपने सिक्योरिटी गार्ड को सर्दियों से बचने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर प्रदान करें। चौथा है, ट्रिप को कम करने की कोशिश करें, और यदि एक जगह जाना है तो ग्रुप में जाएं। और चौथी स्टेज यानी आखिरी यानी इमरजेंसी यानी एयर इंडेक्स 450 से अधिक होने पर बच्चों, बुजुर्गों, दिल सांस आदि की गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज बाहर जाने से बचे और अधिक से अधिक समय घर पर रहें। तो इस तरह से यह भी चार्टर, सिटीजन चार्टर के तहत ये जिम्मेदारियां तय की गई है लोगों की। चीन समर्थित हैकर भारत समेत कई देशों की सरकार की कर रहे हैं जासूस। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एक तरह से जो इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित एक तरह से चुनौतियां हैं कि किस तरह से हैकर्स हैं कहीं ना कहीं दूसरे देश से बैठे हुए भारत के कहीं ना कहीं एक तरह से एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, सरकारी समाचार पत्र पत्रिकाओं, थिंक टैंक्स के कहीं ना कहीं एक तरह से निशाना बना रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत की जो डाटा है उसको चुरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से हमारे लिए एक तरह से चुनौती बनी हुई है कि किस तरह से भारत को इससे अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है ताकि कहीं ना कहीं हैकरों से बचा जा सके। भारत का नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी नीक भी शामिल है कहीं ना कहीं इनके हमलों में, यानी मतलब जो चीन समर्थित है करे कहीं ना कहीं उनके निशाने पर नीक भी शामिल है। हैकिंग के लिए ये ईमेल भेजते हैं कौन? ये हैकर्स। और जब उन्हें खोला जाता है तो उनका इस्तेमाल उनकी लॉग इन के विवरण चुराने में किया जाता है। रेड अल्फा नामक यह हैकिंग समूह भारत सरकार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे
और सेवाओं का प्रबंधन करने वाले यानी नेक यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के लोग इन पेजों का लगातार निशाना बना रहे ताकि कहीं ना कहीं जो हमारी लॉग इन विवरण से उसको चुरा के कहीं ना कहीं वो एक्सेस कर सके उस साइट को या किसी भी डाटा को। तो कहीं ना कहीं हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम और किस तरह से सशक्त और मजबूत कर सकें हमारे जो आईटी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स हैं और हमारे जो संवेदनशील डाटा है उनको और किस तरह से मल्टी लेयर सिक्योरिटी से सुरक्षित किया जा सके। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो ये हैकर्स होते हैं ना, कहीं ना कहीं हमारी गोपनीय जानकारी को चुरा कर कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल अवैध रूप से कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टि से हो सकता है, सामाजिक दृष्टि से हो सकता है या कहीं ना कहीं हमारे देश की एकता अखंडता संप्रभुता के लिए खतरा हो सकता है। तो इस तरह से हमें देखना है कि किस तरह से हमें इसके लिए एक तरह से तैयार रहना चाहिए और किस तरह से समस्या को डील करना चाहिए और क्या इसके लिए समाधान हो सकते हैं। व्यापक समझौते के लिए जल्द वार्ता शुरू करेंगे IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देश। मई 2022 में जापान में क्वाड यानी भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया व जापान के संगठन शीर्ष नेताओं की बैठक के दौरान कहीं ना कहीं हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लेकर सदस्य देशों में कारोबारी वार्ता की शुरुआत अगले महीने से कहीं ना कहीं अमेरिका में होने की उम्मीद है। तो जो मई में 2022 में कहीं ना कहीं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के पीएम फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नवनियुक्त पीएम एंथोनी एल्बनिस की कहीं ना कहीं जो शिखर वार्ता में हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क की घोषणा हुई थी। इसके कहीं ना कहीं इसके अतिरिक्त इन क्वाड देशों के अतिरिक्त इसमें कहीं ना कहीं सदस्य देश कहीं ना कहीं 13 सदस्य देश थे जिसमें से कहीं ना कहीं एक न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, दक्षिण कोरिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है और फिजी भी कहीं ना कहीं शामिल था। तो हम देख लेते हैं कि जो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क की घोषणा की गई थी तो इसके क्या उद्देश्य थे। तो इसके तीन प्रमुख उद्देश्य बताए गए थे। पहला उद्देश्य था सभी देशों की इकोनॉमी को आपस में कनेक्ट करना, डिजिटल इकोनॉमी के लिए नियम बनाना, ऑनलाइन प्राइवेसी और डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए काम करना। दूसरा था मजबूत सप्लाई चेन बनाना, महंगाई रोकना, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के उत्खनन में सहयोग करना और तीसरा था पर्यावरण क्षरण रोकने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, बेहतरीन ढांचागत सुविधा तैयार करना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये इसके तीन प्रमुख उद्देश्य थे। कहीं ना कहीं विशेषज्ञों ने कहा था कि इतने व्यापक स्तर पर सहयोग तैयार करने के लिए इन सभी देशों के बीच आर्थिक सहयोग समझौता जरूरी होगा। इन सभी देशों का आपसी सहयोग सप्लाई चेन में चीन के वर्चस्व को खत्म करने में अहम भूमिका निभाएगा। आसियान के 10 में से 8 देश इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के सदस्य हैं, जबकि जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप था के भी 12 देश इसके सदस्य हैं। आरसेप में भारत ने अंत समय में हटने का ऐलान किया था। तो हम अभी देखेंगे कि जो आरसेप क्या था यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या था। इंडो पैसिफिक को एक बार हम गूगल मैप में देखने करेंगे कि इसके देश कौन कौन से थे, एक बार हम आसियान को भी देखने की प्रयास करेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे एक तरह से जस्टिस ललित बोले खून बहने वाले घाव की तरह होते हैं मुकदमे। ये कहीं ना कहीं हमारे GS2 एक तरह से राज्य व्यवस्था से राज्य व्यवस्था में कहीं ना कहीं न्यायपालिका से तो न्यायपालिका में न्यायिक सुधार से हम देख सकते हैं इसको। तो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले गरीबों को संपत्ति बेचकर लड़ना पड़ता है केस। तो जस्टिस उदय उमेश ललित ने रविवार को कहा कि मुकदमे खून बहाने वाले घाव की तरह होते हैं, इस घाव से जितना अधिक खून बहने दिया जाए व्यक्ति को उतना ही नुकसान होगा। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस ललित ने 365 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में
कानूनी सहायता परामर्श यानी एल ए डी सी प्रणाली की औपचारिक रूप से आरंभ किए हैं। अब नासा के तहत यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत गठित एल ए डी सी यानी जो कानूनी सहायता परामर्श है प्रणाली उन गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगी जो अपने आपराधिक मामले लड़ने के लिए निजी वकीलों की सेवा लेने को मजबूर होते हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें अपनी संपत्तियों का नुकसान उठाना पड़ता है। भारत में कहीं ना कहीं 70% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे है यानी बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल के अंदर आती है। केवल 12% लोग ही कहीं ना कहीं जो विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता का विकल्प चुनते हैं। तो इन दोनों के बीच में अभी बहुत बड़ा अंतर है यानी 12% इस्तेमाल करते हैं और गरीबी है 70% आबादी। तो अभी कहीं भी इसके बीच बहुत बड़ी गैप है, तो इसे हमें पाटने की जरूरत है। एल ए डी सी प्रणाली को उल्लेख करते हुए जस्टिस ललित जी ने कहा कि सरकारी वकील राज्य की ओर से आपराधिक मामले लड़ते हैं, इसी तरह गरीब वादियों के लिए इस तंत्र के माध्यम से ऐसे मामले लड़े जाएंगे जिनका खर्च नासा के माध्यम से सरकार उठाएगी यानी राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के तहत सरकार उठाएगी। असम मेघालय 6 महीने में सुलझाएंगे सीमा विवाद पर बनी सहमति। तो असम और मेघालय के बीच में जो अंतर्राज्यीय सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए कहीं कि एक तरह से ये समिति बनी जो 6 विवादित स्थलों पर समस्या का समाधान के लिए काम शुरू करेगी। अब चलते हैं हम आगे। देश में विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का पुणे में परिचालन। तो ये हमारे किससे संबंधित होगा? देश से कहीं ना कहीं एक तरह से पर्यावरण से हो सकता है, इंडियन इकोनॉमी से भी हो सकता है संबंधित। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और निजी कंपनी KPIT लिमिटेड द्वारा देश में ही विकसित एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का रविवार को पुणे में परिचालन शुरू किया गया है। कहीं ना कहीं जो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो हाइड्रोजन विजन का उद्देश्य देश को स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना, जलवायु परिवर्तन के उद्देश्य यानी जो लक्ष्य को पूरा करना और इस क्षेत्र में रोजगार सृजित करना है। उन्होंने कहा कि इससे देश में माल ढुलाई के क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। फ्यूल सेल हाइड्रोजन व हवा का उपयोग कर बिजली उत्पन्न करता है। इसका उपयोग बस को संचालित करने के लिए किया जा रहा है। तुलनात्मक रूप से जो लंबी दूरी तय करने के दौरान डीजल से चलने वाली बस वर्ष में 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। तो कहीं ना कहीं इससे जो हाइड्रोजन फ्यूल बस सेल का उपयोग करने से जो बसें जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करती हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में कमी आएगी। तो जो हमारे कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन को हमने जो लक्ष्य रखे और जो हमने कमिटमेंट किए उनको पूरा करने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। चलते हैं अगली खबर। ये मुद्दा आपका 5 रन जिताएंगे रन। तो ये कहने के अभी अभिव्यक्ति का जो आने वाला है उसके अंदर इसको डिस्कशन किया जाएगा और आप भी स्वयं कोशिश कीजिएगा इसे पढ़ने की। चलते हैं हमारी अगली खबर। रेवड़ी कभी भी मुफ्त नहीं होती आशिमा। तो जैसा कि हमें पता है कि 22 अगस्त यानी आज कहने की सुप्रीम कोर्ट इसी को लेकर कहने के एक तरह से जो सुनवाई करेगी कि मुफ्त की रेवड़ी कल्याणकारी योजनाओं से लेकर आरबीआई की मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की सदस्य आशिमा गोयल ने कहा कि रेवड़ियां कभी भी मुफ्त नहीं होती। जब राजनीतिक दल ऐसी योजना का ऐलान करते हैं तो उन्हें मतदाताओं को उनके वित्त पोषण सहित अन्य पहलुओं के बारे में बताना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि मुफ्त उपहार की घोषणा के साथ इन जानकारी को जोड़ने से लोक लुभावन ऐलान के प्रति प्रलोभन कम हो जाएगा।
इनके जरिए ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं जो ये मुफ्त की जो सेवाएं देते हैं उसकी जगह सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं में निवेश किया जा सकता है जो क्षमता निर्माण करती है। रेवड़ी यानी मुफ्त उपहार कभी भी मुफ्त नहीं होता। हानिकारक सब्सिडी जो कीमतों को विकृत करती है, उन्होंने कहा कि उत्पादन व संसाधन आवंटन को नुकसान पहुंचता है, जैसे मुफ्त बिजली के चलते पंजाब में पानी का स्तर गिरना प्रमुख है। तो कहीं ना कहीं मुफ्त के जो उपहार है उनसे कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी नुकसान होता है। मुफ्त की सुविधाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, हवा व पानी की खराब गुणवत्ता की कीमत पर भी मिलती है। कहीं ना कहीं अब इनकी जो संसाधन आवंटित किए जाते हैं हम उनका उपयोग कहीं ना कहीं मुफ्त के उपहार देने में करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर खर्च कम होगा और खर्च कम होने से कहीं ना कहीं इनकी गुणवत्ता में भी हमें समझौता करना पड़ेगा। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को होता है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि मतदाताओं को बताना चाहिए कि मुफ्त की उपहार की जो घोषणा है उनके लिए धन कहाँ से आएगा, और करदाताओं को भी इस पर प्रश्न करने का है कि उनकी धन की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, और इससे कहीं ना कहीं जो बर्बादी होती है उससे कहीं ना कहीं एक तरह से आर्थिक नुकसान होता है। और हमारे सामने पंजाब का भी एक तरह से इन्होंने उदाहरण दिया है कि पंजाब में मुफ्त बिजली देने की शुरुआत से कहीं ना कहीं वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी गिरा है, और ज़्यादा किसानों को उस यूरिया सब्सिडी पर या मतलब सब्सिडी देने से कहीं ना कहीं जो यूरिया है फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी बढ़ा, जिससे कहीं ना कहीं भूमि क्षरण की समस्या हमारे सामने कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौती बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जैसे श्रीलंका है, तो श्रीलंका से भी हम पाकिस्तान श्रीलंका से भी हम कहीं ना कहीं एक तरह से सबक लेने की जरूरत है। औद्योगिक परियोजना में बड़ी यूपी व राजस्थान की सिद्धि। कोरोना काल के बाद बदली बीमारू राज्यों की छवि, निवेशकों की रुचि बढ़ी। तो जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो बीमारू राज्य की हम बात करें तो जान लेते हैं कि वो क्या है। तो जो खराब आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास के रिकॉर्ड को देखते हुए कुछ अर्थविदों ने बिहार को, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को और राजस्थान को बीमारू राज्य का दर्जा दिया है। तो हाल ही में जो खबर आई है RBI के आंकड़ों के अनुसार कि उद्योग जगत ने बीमारू राज्यों की छवि एक तरह से बदली है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कहने के औद्योगिक परियोजना में कहने की हिस्सेदारी इनकी बड़ी है। बीमारू राज्यों में शुमार होने वाले जो राज्य हैं वो कौन है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड हैं। कहने के ये उत्तरी भारत के क्षेत्र आगे ज्यादातर। तो यहाँ एक तरह से इन्होंने एक चार्ट में दिखाया हुआ है कि 2018-19 और 2020-21 में जो परियोजना और उनका प्रतिशत दे रखा, जो राजस्थान की जो कहीं ना कहीं पहले परियोजनाओं में कहीं ना कहीं 21% मिलती थी और अब कहीं ना कहीं 33% हो गई, और जो उसका प्रतिशत है वो 7.7% से बढ़कर 13.3% हो गया है। और ऐसे उत्तर प्रदेश का इसमें भी परियोजनाओं में 28 से 31 पर आई है, और इसमें भी कहीं ना कहीं जो प्रतिशत है 4.8 से बढ़कर 12.9 हुआ। ऐसे मध्य प्रदेश में भी इजाफा हुआ है, बिहार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटा है लेकिन प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, झारखंड में भी बढ़ोतरी हुई है, पंजाब में कहीं ना कहीं कमी आई है, हिमाचल में लगभग प्रतिशत में तो बढ़ोतरी हुई लेकिन परियोजना सेम की सेम स्थिति पर है। कहीं ना कहीं नए राजमार्ग, रेल मार्ग बनने, बिजली की स्थिति में व्यापक सुधार होने और पर्याप्त जमीन मिलने से उत्तर प्रदेश और राजस्थान को निवेश का ज्यादा फायदा मिला है, यानी कहीं ना कहीं निवेशकों का एक तरह से ये पसंदीदा स्थान भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से हमें इनको और भी सशक्त और सुधार करने की जरूरत है ताकि इन बीमारू राज्यों में और भी कहीं ना कहीं निवेश को बढ़ाया जा सके। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र वाले शहर ज़ापोरिज़्या में एक बार फिर गोलाबारी हुई। ओडेसा जो यूक्रेन का एक तरह से बंदरगाह है, 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आया था, खार्की। तो कहीं ना कहीं एक तरह से यहाँ से इस तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि ज़ापोरिज़्या परमाणु संयंत्र कहाँ है, ओडेसा पोर्ट किससे संबंधित है और खार्की शहर किस देश से संबंधित है। तो इस तरह से हम उसको देखना है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आठ से अधिक राज्यों में फैली लंपी त्वचा रोग, जैसा हमें पता है कि कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के बाद
अपलम्बी त्वचा रोग मवेशियों में तेजी से फैल रहा है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अब तक 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में इसके मामले की पुष्टि हुई है। तो जान लेते कि लंपी त्वचा रोग क्या है। तो यह एक संक्रामक वायरस रोग है जो मवेशियों को प्रभावित करता है। तो इसका संक्रमण खून चूसने वाले कीड़ों, मक्खियों और मच्छरों द्वारा होता है। इसके अलावा दूषित गाय से सीधे संपर्क में आने पर भी यह बीमारी फैल सकती है। तो बीमारी के लक्षण क्या है? तो इससे ग्रसित यानी जो ग्रस्त मवेशियों में तेज बुखार आता है, कुछ दिनों के बाद त्वचा पर गांठ बन जाती है और स्थिति गंभीर होने पर मृत्यु भी हो सकती है। जाम्बिया में पहला इसका मामला 1929 में देखा गया था, फिर धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका में भी ये बीमारी फैल गई। लुप्त प्राय प्रजाति के कछुए ले जाने पर फिल्म निर्माता ऐश्वर्या श्रीधर पर मुकदमा। तो हमारे लिए यहाँ क्या महत्वपूर्ण है कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN सूची में इंडियन स्टार कछुआ भी शामिल है। कछुए की यह प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन पे मुकदमा दर्ज किया गया है। इंडियन स्टार कछुआ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के तहत संरक्षित है। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है कि हमारी काम की चीज इसके अंदर क्या है। गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली जला दी और स्वदेशी का नारा दिया। 1921 में यानी आज ही के दिन महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी का नारा बुलंद किया था। गांधी जी के आह्वान पर करोड़ों देशवासियों ने विदेशी कपड़ों का त्याग कर खादी को अपना लिया था। यह अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक तरह के विरोध की शुरुआत थी। समुद्र का कचरा खाएगी रोबोट शार्क। तो चीन के वैज्ञानिकों ने बायोनिक रोबोट शार्क मछली बनाई है। कहीं ना कहीं जो ये रोबोट शार्क की मदद से महासागरों की गहराइयों में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाया जा सकेगा। माइक्रोप्लास्टिक से समुद्री जीवन की नुकसान पहुंचा रहे और समुद्र से मिलने वाले भोजन के जरिए इंसानों के लिए एक बड़ा संकट है। ये रोबोट मछलियां माइक्रोप्लास्टिक को खा सकेंगी और इससे समुद्र को साफ और प्रदूषण रहित बनाने में मदद मिल सकेगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह से यहाँ एक तरह से दिखाने का प्रयास किया गया कि हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके किस तरह से जो हमने अभी मानव ने जो प्रदूषण फैलाए उसको किस तरह से हम उसको समाधान करें, ताकि जो हमारे लिए एक तरह से महामारी बनता जा रहा है कचरा प्रदूषण, उससे कहीं ना कहीं हम किस तरह से उसका निदान करें। तब हम चलेंगे हमारे मैप पर, उसमें देखेंगे जो आसियान की बात की है हमने, जो RCEP की बात की है और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात की, तो उस पर एक बार हम थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करेंगे कि एक्चुअल में ये चीजें क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जिसके हम गलवान घाटी की बात कर रहे थे ना, तो वो उसकी लोकेशन क्या है। तो ये हमें पता है कि जम्मू कश्मीर का मैप था, लेकिन अभी 2021 को कहने के इसको 202 यूटी क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख यूटी। तो ये LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये जैसे हमें पता है कि कहीं ना कहीं पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं जो गिलगित बाल्टिस्तान इसी क्षेत्र में आ गया गिलगित, यानी कहीं ना कहीं यहीं से जो CPSC की हम बात करते चर्चा में सुनते रहते दिन पर, तो वो कहीं ना कहीं यहीं से निकल रही है। ये क्षेत्र किसका? ये हमारा है कहीं ना कहीं, जो 1947 से इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा, और यह कहीं ना कहीं यहाँ से अफगानिस्तान की सीमा लग रही है 106। तो कहीं ना कहीं इस पे कब्जा पाकिस्तान के होने की वजह से कहीं ना कहीं ईरान के चाबहार बंदर का इस्तेमाल करना पड़ा है मध्य एशिया देशों तक पहुंच बनाने के लिए, वरना हम अफगानिस्तान से होते हुए कहीं ना कहीं मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बना सकते थे। ये चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर ये दिखा रखा जैसे यहाँ ये किस तरह से हमारे क्षेत्र में होते हुए निकल रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी जो एकता अखंडता संप्रभुता का एक तरह से कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है एक तरह से, और कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरह से कांटे की तरह चुभ रहा है ये। ठीक
इस तरह से हम एक दिन इस पूरे क्षेत्र को लेकर रहेंगे। ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया, ये श्रीनगर, ये जम्मू श्रीनगर, ये कहीं ना कहीं मतलब ये दो एक तरह से राजधानियां बनती है कि गर्मी में जब श्रीनगर को शिफ्ट कर लेते हैं और जब ठंड की सीजन आती है तब कहीं ना कहीं जम्मू को राजधानी के तौर पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये सियाचिन ग्लेशियर आ गया, सियाचिन ग्लेशियर आ गया यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये सक्षम वैली आ गई है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड की और गैरकानूनी रूप से कहीं ना कहीं इसको चाइना को दे दी पाकिस्तान ने एक तरह से, सियाचिन ग्लेशियर। और ये सब सेक्टर नॉर्थन, तो जो ये बात करते हैं ये लद्दाख वाला क्षेत्र आ गया, ये कारगिल वाला रीजन, और ये लेह और ये पेंगोंग लेक जहाँ कहीं ना कहीं चर्चा में बनी रहती है कि कहीं ना कहीं जो चीनी सैनिक है इसके थ्रू कहीं ना कहीं भारत के क्षेत्र में घुसने के प्रयास करते हैं। ये अक्साई चीन हो गया जहाँ कहीं ना कहीं चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा 1962 का, जिसे हमें पता है कि भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था उसके थ्रू कहीं ना कहीं चीन ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। और जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है इस पे 1947 में पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं गैर कानूनी घुसपैठ करके इस तरह से, वैसे दोनों क्षेत्र कहीं ना कहीं बिना मतलब चेतावनी के साल घुसने का प्रयास किया था इन्होंने। ये गलवान वैली आ गई, ये एलओसी, और ये गलवान वैली जहाँ कहीं ना कहीं जो सीमा विवाद को लेकर कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान के बीच में जो समझौते हैं अभी हाल ही में जो जयशंकर जी ने कहा है कि इसको लेकर अगर ये समस्या समाधान नहीं होता तो दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं उनको वापस सुधारा नहीं जा सकता। और ये अब इधर तो इसने सीपीएसी निकाला चाइना ने, और इधर भी कहीं ना कहीं हमारे अक्साई चीन से होती है, इसने कहीं ना कहीं चाइना नेशनल हाईवे जो हमारा अक्साई चीन है उससे होकर इसने मतलब निकाल लिया। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये हमारे लिए आगे आने वाले समय में हमें कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रों को वापिस लेना है देशों से। तो इस तरह से ये मैप है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से इसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, एक तरह से कहीं ना कहीं यहीं से इंडस होके निकलती है, यही शोक नदी है, तो भी हम इसको भी देखेंगे मैप के थ्रू। ये है मैप, ये भारत का, ये जम्मू कश्मीर पूरा वाला क्षेत्र, ये हो गया पूरा जम्मू एंड कश्मीर, और ये हो गया हमारा लद्दाख यूटीज, इसकी राजधानी ये लेह, और ये श्रीनगर, और ये नीचे जम्मू, ये गुलमर्ग वाला क्षेत्र, ये पहलगाम, ये कटहरा, अब चलते हैं ये कारगिल हो गया, ये लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, हेमिस नेशनल पार्क जो कहीं ना कहीं लद्दाख में आ गया है, और जिस पेंगोंग झील की हम बात कर रहे हैं ये चीन से, ये कहीं ना कहीं जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, तिब्बत से होते हुए कहीं ना कहीं भारत के क्षेत्र लद्दाख वाले क्षेत्र में फैली हुई है, ये पेंगोंग झील जो कहीं ना कहीं अभी कहीं ना कहीं जो एक तरह से एक जलपोत बनाया गया था कि जो इस क्षेत्र पर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच बना सके, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से दुर्गम पहाड़ियाँ हैं और ठंड के समय कहीं ना कहीं ये झीलें जम जाती है, तो ऐसे वाहन की जरूरत थी, तो हर मौसम में एक तरह से आवागमन में एक तरह से सुचारू रूप से कार्य करती रहे। ये शोक नदी है, शोक नदी के किनारे ही कहीं ना कहीं जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहाँ है, यानी जो गलवान वैली की बात कर रहे हैं वो इस क्षेत्र में है, शोक नदी के कहीं ना कहीं पूर्व साइड में जहाँ सीमा विवाद चल रहा है, यानी सीमा जो चीन ने एक गैर कानूनी रूप से घुसपैठ किया और यहाँ जाके कहीं ना कहीं पेड़ बना लिए, और ये अक्साई चीन हो गया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं पहाड़ी और पूरा सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं बर्फ जमी रहती है यहाँ साल भर, और ये हमारा ये जो हिस्सा यहाँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और यहीं से कहीं ना कहीं जो सीपीएससी वो निकल गए यहाँ से ग्वादर से होते हुए ये ऐसे होते हुए काशगढ़ क्षेत्र यानी शिनजियांग प्रांत से, और इधर से भी कहीं ना कहीं चीन ने अपना नेशनल हाईवे निकाल रखा है इधर से हमारे क्षेत्र से ऊपर। तो कहीं ना कहीं अभी हमें इस क्षेत्र पे अभी हमें लंबी जो दूरी तय करनी है हमारे क्षेत्रों को लेने। अभी जो जीडीपी की बात की थी हमने वर्ल्ड जीडीपी की कि भारत का हिस्सा किस समय, जो आपका मुद्दा है ना आप उसमें देखेंगे कि जो भारत 1700 तक कहीं ना कहीं जो विश्व की जीडीपी उसमें सर्वाधिक योगदान रहता था, तो एक बार हम इस मैप को देख लेते हैं ताकि आप जब वहाँ देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये 180 से लेकर 1700 ईसा तक दे रखा, कि अब यहाँ जैसे ये कलर कहीं कि भारत का हिस्सा दिखा रखा है कि भारत की हिस्सेदारी जो पहली सदी थी उसमें कहाँ 30% से ऊपर थी,
कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे कम हुई, धीरे धीरे कम हुई, और 1700 तो आकर फिर भी ऊपर रहती थी। लेकिन जैसे जैसे 1757 1764 में 1757 प्लासी का युद्ध होता है, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और इलाहाबाद की संधि होती है, और कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों को बंगाल की ने कहीं ने उड़ीसा की और बिहार के कुछ क्षेत्रों की मतलब दीवानी मिलती है, तो कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे देश का जो विकास में मतलब जो जीडीपी में योगदान है धीरे 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 घटता जाता है। और कहीं ना कहीं जो पश्चिम यूरोप है यानी पश्चिम एशिया की बात करते हैं, हम पश्चिमी यूरोप की बात करते हैं माफ कीजिए, उसमें जैसे ब्रिटेन है तो इसका हिस्सा धीरे 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 बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, और भारत धीरे 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 डाउन होता जाता है डाउन होता जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से पूरा चार्ट दिखाने का प्रयास करता है कि भारत की आज स्थिति क्या है। आज भारत की जो विकास दर यानी 3 मतलब जो जीडीपी है 3 ट्रिलियन से भी कहीं ना कहीं एक तरह से नीचे, किसी जमाने में भारत का योगदान 30% से ऊपर होता था। तो कहीं ना कहीं इसके क्या कारण है, तो इस तरह से हमें एक चार्ट देखकर ही बहुत जानकारी मिलती है। इसमें चाइना की दिखा रखी कि भारत और चाइना एक तरह से कहीं ना कहीं दोनों प्रतिस्पर्धी रहते थे, दोनों का ही दबदबा रहता था वर्ल्ड जीडीपी में। फिर चाइना की भी स्थिति कहीं ना कहीं फर्स्ट ओपियम वार में जो अंग्रेजों के साथ कहीं ना कहीं वहाँ की क्वीन डायनेस्टी का युद्ध होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें चीन हारता है, तो कहीं ना कहीं चाइना में जो ब्रिटेन था उसका हस्तक्षेप दखल बढ़ जाता है, वो चाइना के नियम कानूनों को ताक पर कर अपने व्यापार नियम चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर चीन का भी दिखा रखा है कि किस तरह से चीन ने धीरे 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 उसकी भी जीडीपी में बिल्कुल योगदान कम हो गया, और कहीं ना कहीं 1973 के आसपास चाइना ने कहीं ना अब भारत से पहले यानी एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन कर दिया था। तो कहीं ना कहीं आज उसकी जो इकोनॉमी कहीं ना कहीं 15 ट्रिलियन के आसपास है, भारत से कम 5 गुना आ गया। तो कहीं ना कहीं उसने हमसे पहले एलपीजी खोला था, इसलिए आज उसकी स्थिति हमसे बहुत ही बेहतर। और यहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से अमेरिका का भी दिखाया हुआ है कि अमेरिका कहीं ना कहीं अमेरिका का जो इतिहास है वही 1492 से शुरू होता है, जो कोलंबो अमेरिका की खोज करता है। तो कहीं ना कहीं भी 1783 या 1763 के आसपास अमेरिकी क्रांति होती है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे अमेरिका भी अपनी ग्रोथ करने लग जाता है। कहीं ना कहीं ये ब्रिटेन से ये भी मुक्त होने के बाद एक तरह से अपनी जो पॉलिसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से निर्माण करता है, तो कहीं ना कहीं ये भी ग्रोथ करने लग जाता है। भारत की स्थिति बहुत ही खतरनाक दयनीय स्थिति हो गई थी। ये शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी परसेंटेज में दिखा रहा हूँ कि भारत की स्थिति क्या थी और आज क्या है, और ये पश्चिमी यूरोप की स्थिति दिखा रही कि किसी समय ये इतनी हालत खराब थी इनकी, और आज ये भारत से भी कहीं ऊपर इनकी जीडीपी पहुंच गई। कहीं कि इन्होंने भारत का आर्थिक रूप से बहुत ही शोषण किया, इनकी नीतियाँ ऐसी थी कि भारत का एक तरह से बस शोषण ही करना है। ये मिडल ईस्ट का दिखाया हुआ है। अब एक बार हम साउथ अमेरिका का मैप देखेंगे यानी लेटिन अमेरिका का, जहाँ हमारे विदेश मंत्री जी गए हैं कहीं ना कहीं व्यापार समझौतों को बढ़ाने के लिए। तो ये साउथ अमेरिका का मैप है, यानी हम नीचे से शुरुआत करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अर्जेंटीना हो गया, और ये चिल्ली हो गया, चिल्ली के इधर ये उरुग्वे हो गया, ये पैराग्वे हो गया, ये बोलिविया हो गया, ये पेरू हो गया, ये कहीं ना इक्वाडोर कोलम्बिया वेनेजुएला, ये गुयाना, ये सूरीनेम फ्रेंच गुयाना, और ये अमेजन नदी कहीं कि ब्राजील के बीचों बीच से होकर बह रही है, और ये ब्राजीलिया ब्राजीलियन तो कहीं ना कहीं हाईलैंड्स आ गया, ये मेटो ग्रासो आ गया, कहीं ना कहीं सेरा एपी एस पी एन हारो, ये सैन फ्रांसिस्को, ये ब्राजीलिया इसकी राजधानी होगी। साओ पाउलो कहीं ना कहीं इसी साइड में है अवस्थित है, कंपोस, और ये अर्जेंटीना इधर ही एंडिस एंडिस जो पर्वत श्रृंखला है वो इधर होकर इसके कहीं ना कहीं पश्चिमी घाट पे मतलब पश्चिमी साइड में आ गई है, और ये कहीं ना कहीं ये इक्वाडोर हो गया, और यहाँ से कहीं ना कहीं पनामा है, ये ऊपर कैरिबियन सी आ गया इसके क्षेत्र पर। ये वेनुजुएला गुएना सूरीनाम फ्रेंच गुएना यानी ब्राजील से किन किन देशों की बाउंड्री लग रही है, तो कहीं ना कहीं इधर से फ्रेंच गुएना सूरीनाम गुएना वेनुजुएला कोलंबिया पेरू बोलिविया उरुग्वे पराग्वे उरुग्वे और अर्जेंटीना, और किससे नहीं लग रही, टेक्सास
एक चिली से नहीं लग रही और एक और किससे नहीं लग रही, एक इक्वाडोर से नहीं लग रही, इन दोनों देशों की कहीं ना कहीं ब्राजील से सीमा नहीं लग रही। और यहाँ सबसे बड़ा देश कौन सा नजर आ रहा, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ब्राजील नजर आ रहा, उसके बाद कौन सा आ रहा, तो अर्जेंटीना नजर आ रहा है, या फोकलैंड आइलैंड जो यूके का है, या साउथ जॉर्जिया आइलैंड ये भी यूके का है। ये उसकी राजधानी के साथ दिखा रखा है कैपिटल, कहीं ना कहीं ये ब्राजीलिया, किसकी, ब्राजील की राजधानी हो गई, पेरू की लिम्पा हो गई, बोलिविया की लापाज हो गई, और अर्जेंटीना की ब्यूनस हो गई, चिली की सेंटियागो हो गई, और वेनेजुएला की काराकस हो गई। ये ब्राजील, अब ये जो इक्वेटर है वो कहाँ, कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही है ब्राजील के, तो कहीं ना कहीं इक्वाडोर से, कोलंबिया से, और ये ब्राजील से। और इक्वेटर के ऊपर कौन से देश आ गए, तो कहीं ना कहीं वेनेजुएला आ गया, गुएना हो गया, सूरीनाम हो गया, फ्रेंच गुएना आ गया, और जो लेक मारा सेइबो, ये कहाँ आ गए, तो ये इक्वेटर के ऊपर हो गई, किस देश में आ गए, तो कहीं ना कहीं वेनेजुएला में आ गई। ये नीदरलैंड एंटेलिस आ गई यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये पनामा, ये कोस्टरिका, ये सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज आ गई यहाँ से, यानी मेक्सिको से लेकर जो ये पनामा तक, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज आ गई। इधर पैसिफिक ओशन आ गया है, इधर एटलांटिक ओशन आ गया है, ये पेरू हो गया, ये इक्वाडोर के बाद पेरू, ये लेक टिटिका जल किन दो देशों के बीच में अवस्थित है, पेरू और बोलिविया के बीच में अवस्थित है, ये चिली, ये अर्जेंटीना, और ये पेंटागोनिया, ये स्टेट ऑफ मैगलैंड। तो कहीं ना कहीं जब ज्योग्राफी पढ़ती है तो उसमें इसका नाम आता है, ड्रेक पैसेज, पासेज, ये स्कोटिया शील, साउथ एटलांटिक ओशन, और ये साउथ जॉर्जिया, ये यूके का हिस्सा है, ये उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना। तो इन देशों को हमें एक बार ऐसे नजर से घुमाना है कि प्रीलिम्स पे अगर कोई प्रश्न बनता है तो हम उसका जवाब दे सके। तो फिर मैप में दिखाया गया है टाइम जोन का, कि किसका क्या टाइम जोन है, कि अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुएना, सूरीनाम, फ्रेंच गुएना। हमको इनको इतनी बार देखना है कि हमारे बिल्कुल फिट हो जाए आंखों में। अब एक बार हम आसियान देशों को देख लेते हैं कि आसियान में जो 10 देश है वो कौन है, तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है जिसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल है, जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। तो जो देश है आसियान के, इंडो चाइना पेनिनसुला की बात करते हैं तो वो ये वाला क्षेत्र है, ये म्यांमार आ गया है, ये कहीं ना कहीं लाओस आ गया है, ये वियतनाम आ गया, कंबोडिया आ गया है, और ये थाईलैंड आ गया, मलेशिया आ गया है, सिंगापुर, और ये नीचे पूरा क्षेत्र इंडोनेशिया वाला आ गया है, ये ब्रुनेई आ गया है, और ये फिलीपींस आ गया है। ये सब कहीं ना कहीं आसियान के 10 मेंबर है, उनकी स्थिति दिखा रखी है यहाँ कौन कौन से देश इसमें शामिल है। फिर चलते हैं हम जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ग्रुप की बात की थी उसकी, तो ये एक्चुअल में क्या, एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी जिसमें क्या होता है कि जो देश है या देशों का समूह है आपस में जो सीमा शुल्क है उसको धीरे 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 कमी करते जाते हैं। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि कितने देश इसमें शामिल है एक तरह से, तो कहीं ना कहीं चाइना है इसके अंदर, म्यांमार है, थाईलैंड है, इधर लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र हो गया, ब्रुनेई हो गया, फिलीपींस हो गया, कहीं ना कहीं जापान, साउथ कोरिया, ये सारे देश शामिल इसमें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी शामिल है कहीं ना कहीं। तो ये क्या क्या कवर करते हैं, तो इनमें दिखा रखा है कि एलिमिनेशन या रिडक्शन इम्पोर्ट ड्यूटीज, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर ली हमने, तो क्या होता है कि उसमें या तो कम करना है या बिल्कुल हटा देना, क्या जो आयात शुल्क है उसे कम कर देना, प्रमोट करना यानी बढ़ाना, फैसिलिटेशन यानी सुविधा देना, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षित करना, इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन यानी निवेश को एक तरह से उदारीकरण बनाना ताकि वो निवेश बढ़ाया जा सके, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उनके मतलब सुरक्षा करना, और कहीं ना कहीं ई कॉमर्स में सुविधाएं देना या बढ़ाना, कहीं ना कहीं आर्थिक और जो टेक्निकल कोऑपरेशन को भी बढ़ाना है। ये एक तरह से इनके क्या क्षेत्र कवर करेंगे, तो दिखा रहा था कि ये चार क्षेत्र कवर करेंगे।
तो इनका ऑब्जेक्ट क्या है एक तरह से, कहीं ना कहीं इनको मतलब स्ट्रेंथ इन रीजनल वैल्यू चेन, यानी कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय जो स्ट्रेंथ यानी मजबूत करना, यानी जो वैल्यू चेन है उसको मजबूत बनाना, यूज फ्रेंडली एंड इजी टू यूज करना, यानी मित्रता बढ़ाना है एक तरह से, कहीं ना कहीं जो ईज ऑफ टू यूज इसको भी प्रमोट करना, मॉडर्न कॉम्प्रेसिव एंड हाई क्वालिटी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट और ये चीजें बनानी। जो आरसीए भी है कंसिस्ट ऑफ 10, तो इसके अंदर आशियान मेंबर हो गए और 10 5 आशियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स कंट्रीज इसके अंदर शामिल हो गए। अभी हमने आशियान की बात की थी तो आशियान के तो 10 मेंबर शामिल हो गए इसमें बिल्कुल, और ये कुछ क्षेत्र जो आशियान के मेंबर नहीं है जैसे चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, तो इन सबसे मिलकर बैठ के रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का निर्माण हो रहा है। अब चलते हैं हम, जो हमने भी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात की थी ना, तो उसको देख लेते एक बार। तो उसमें कहीं ना कहीं आशियान के 10 देश शामिल हो गए और उसके अलावा भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है, ताकि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो चेन का बढ़ता प्रभुत्व है, यानी कि सप्लाई चेन है, उसको कहीं ना कहीं चेन से हटाकर जो मतलब उसका विकल्प भी ढूंढा जाए, कहीं ना कहीं चीन की जो विस्तारवादी नीति है उस पर भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाए, जो चीन आर्थिक रूप से दूसरे देशों को कहीं ना कहीं एक कर्ज जाल की नीति में फंसा रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं इन देशों को बचाया जाए, ताकि ये चीन के मतलब उसके कर्ज के बोझ के दले जिस तरह आज श्रीलंका की हालत है ऐसे दूसरे देशों की ना हो, और कहीं ना कहीं जो चीन का इस क्षेत्र में दबदबा है, विवाद है, तो कहीं ना कहीं उससे भी कहीं ना कहीं समस्या का समाधान करना है, और आपस में एक तरह से क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक समन्वय भी बढ़ाना है, ताकि इस क्षेत्र में शांति स्थिरता और मुक्त प्रवाहजाई को बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से हमारा जो आज की न्यूज़ एनालिसिस है यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।